आप लोगों ने कहा कि आप हमको आपसे भी मिलना है, तो बताइए क्या करते हैं आप, मुश्किलें क्या हैं, रिस्क क्या हैं? थोड़ा चल के देखें। चलिए है तो समझाओ मुझे क्या क्या है। ये सर स्पेंडो क्लिप है। हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं, और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है। तो आप थके हुए हो, आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, तभी तो हादसा होता है, तभी हादसा होता है। का एरिया जो है बहुत बड़ा। और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? ट्रैक पे चलना पड़ता है। ये सर ऑफिसर ये जीपीएस देते हैं, तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये तार क्या है? ये सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अब ये कनेक्ट हुआ है, इससे ये सिग्नल पकड़ लेता है। अच्छा, लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा करके इसमें ये रोड़ियाँ डाल के जैक लगा के इसको उठा के, इसको ट्रैक को उठा के, जैसे जैक लगा दिया, ये थोड़ा उठ गया, उठने के बाद में ये थोड़ा लूज हो जाएगा, फिर ये इससे मार यहाँ पे लगता है। बट हैवी काम है ये, चारों तरफ से लगता है। इसको भी हमको रात में ध्यान देना पड़ता है, इसलिए लाइट वगैरह कुछ है नहीं। रात को भी चलते हो? रात में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं हम। टॉर्च होती है आपके पास? टॉर्च देती है, वो भी अपना सेल लेके चलना पड़ता है, समझिए अपना। जी हाँ सर, इससे हम ये चेक करते हैं ट्रैक कहीं नीचे। अच्छा, ये क्या है? ये सर वेल्डिंग जोड़, ये दो ट्रैकों को जोड़ के सर वेल्डिंग जोड़ बोलते हैं सर। अच्छा, और इसके बीच में क्या है ये जो ये जो गैप है? ये ग्लूड है सर, ये मतलब आपस में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने। अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान ना हिल पाए आपके बिना? नहीं सर, हमारे छाती पे ट्रेन मतलब जाम हो जाए, पूरा पूरा जाम हो जाएगा सर। तो इसमें क्या क्या रखते हैं आप? इसमें सब ये सामान रहता है हमारा जो पटरी पर काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो? ये 30 आदमियों का है, दो यूनिट है सर। अच्छा, और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो? जी। या आपकी यूनिफॉर्म आती है? हाँ, यूनिफॉर्म आती है सर, इसको हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये तसले हैं जो मिट्टी गिट्टी डालने के लिए है, और ये पानी के पीने के लिए सर हम लोग खुद अपने से व्यवस्था किया है, रेलवे ने इसमें कुछ ये शेड वगैरह सारे हम ही लोग बनाए हैं अपने कर्मचारी मिलकर। पानी भी आपको यहाँ से लेना पड़ता है? हाँ। तो यहाँ से भर के आप ले जाते हो? जी हाँ, भर के ले जाते हैं। ट्रैकमैन ही मैं हूँ सर, वहाँ पे ना नहीं सर चेंजिंग रूम है जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ सर, और सर यार्ड होता है हमारा कुछ 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पे हमें लड़कियों को नहीं रखते, हमें ना बाहर लेके जाते हैं, यानी कि 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में 5 आने का होता है 5 जाने का होता है। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं, तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस कर रहे हैं। 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं? सर हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज़्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता, स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आए तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है, तो वो वहाँ तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का है। सर सबसे ज़्यादा निगरानी हमें जो पटरी पर जितना पेंडोल क्लिप है और हमारी निगरानी रहती है सर, कहीं ट्रेन बकलिंग तो नहीं हुई है। इस तरह शाम चलता है, काफ़ी होता है? हाँ होता सर, दिखता है आपको, पकड़ पता लग जाता है सर। वो जो सर क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान अक्सर हमको ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूर्ण रूप से हम उसमें सक्सर हो पाते हैं, कई ऐसी बारीकियाँ कमी है जो पटरी टूट जाती है, बाल के सामान उसमें जो है दिखता नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता है।
तो उसकी निगरानी के लिए रेलवे ने अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर एक मशीन है जो कहीं पर भी फ्रैक्चर है उसको पकड़ने का काम करती है। हम तो केवल हमें सुबह निकाल दिया जाता है, जाइए आप पटरी पर गश्त लगा के आइए, देखिए कोई आवारा पशु तो नहीं घूम रहा है, कोई कैटल जो है रन ओवर तो नहीं हो गया है, कोई डेड बॉडी तो नहीं। तो कितना डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर, आना जाना, मतलब 8 आगे 8 पीछे, और पैदल जाते हो? और आप की मैन हो और आप गैंग मैन? तो जब आपकी टीम जाती है कितने लोग जाते हैं? यूनिट होती है हमारी, एक यूनिट में लगभग 30 लोग होते हैं, और उनको सुबह काम बांट दिया जाता है कि आपको इसी लोकेशन पे इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है या कुछ भी वहाँ पे काम है तो वो करना होता है। तो लगभग 12 घंटे की ड्यूटी अब फिलहाल चल रही है हमारी गर्मियों में, जो लंच टाइम हमारे 3 घंटे का वो भी हमें साइड पे जहाँ पे जाते हैं वहीं पे ही बिताना पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी धूप हो। और चोट लगती है? हाँ जी, हाँ, सबसे कॉमन क्या चोट लगती है? जैसे पैर में बारी हम मारते हैं जैसे उसमें स्लीपर के नीचे, तो वो लग जाती है हमारे पैरों में लग जाती है। जैसे मेरे पैर में गिरा था जी, देखो रेल पलटी तो रेल भी आ जाती है, मेरे पैर का अंगूठा बिल्कुल खराब हो गया, इसका अंगूठा टूटा हुआ है, स्लीपर गिरा था जी मेरे। तब क्या स्लीपर लोड कर रहे थे ट्रॉली में, तो उस टाइम में मेरे इस पे गिर गया था, नीचे रेलवे लाइन बिछी हुई थी और ऊपर से स्लीपर गिर गया, बिल्कुल जीरो हो गया। 4-5 का वेट होता है सर उसमें। और आपको मतलब कोई स्पेशल जूते जूता है? हार्ड है ऊपर वाला? ये हार्ड है सर, इसका वेट बहुत रहता है सर, दोनों जूतों को मिला लेना। सोल है ना सर, तो इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो है एकदम, क्योंकि पटरी पर जैसे ही रोडों पे बेंड होता है चलेंगे तो खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे जो हमें शूज दिए गए थे बहुत ही अच्छे क्वालिटी, मगर मुझे लग रहा है आप सब अपने जूते पहने हो, ये तो आप कोई पहना ही नहीं, और यहाँ पे नी पैड या ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको घुटनों पे भी जाना पड़ता है? बिल्कुल सर। भैया आपने कहा कि लोग रन ओवर हो जाते हैं, रन ओवर कैसे हो जाते हैं, मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर उसका थकान होना, शरीर भर काम करता है, थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा, शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा, या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता, विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में कम से कम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है, काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, और ऊपर से हमारे DER एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी 4 सीट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज़ किसी भी सांसद तक भी ये मैं देख रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा जी कि देखिए मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है, आप मतलब प्यार से काम करो, अगर काम कर भी नहीं सकते सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बट बात सुन ली। ये डर से टेंशन आता है, फिर गलती होती है, फिर एक्सीडेंट होता है। अच्छा सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में? कितने हो इंडिया में? सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा हावी, लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है, डबल काम हो रहा है, इनसे डबल काम लिया जा रहा है। रेलवे ने हमारे को प्रमोशन केवल फाइनेंशियल दिया है, डिपार्टमेंटल जो चेंज करते हैं अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है, TT है, गार्ड है, जिसमें अच्छी और सुविधाएं हैं, वहां हमारे साथियों को प्रमोट कतई नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूं रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सर, ये सबसे ऊपर ऊपर राजा महाराजा है, और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं, उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैक मैन दे दिया, रेलवे के महादले तो आप, जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही, और सेफ्टी आप मेंटेन करते हो? पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता सर, हम ऑन ड्यूटी रहते हैं, 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको, और दिन भर बस वो 2 लीटर पानी पी सकते हो आप। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूं कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल, उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर, हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र, हमारा रिटायरमेंट 2800। आप पटरी से कभी नहीं निकलते? कभी निकलते नहीं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर ये हमारा, और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम? हाँ चाहे तो सर, ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है, और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको
प्रमोट। रेलवे में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवे में? पूरी रेलवे वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी। और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी सर, जी सर, ये मना है। 3.5 लाख के लिए मना है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित रहे, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा, संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना है। वो ऐसा यंत्र है और वो काफी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं जी।